व्यूवर्स मैं हूं आपकी मिनटोर ओ मैं हूँ और आज मैं एक बहुत बड़ी खुशी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं मेरे जो फ़र्स्ट सेशन था उससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई कर गए हैं अब तक जितने लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया है मतलब वो थर्टी हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है मैंने सोचा है कि मतलब मैं आ, अपनी इस खुशी को आप सब लोगों के साथ अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं अबाउट वन फिफ्टी स्टूडेंट्स मेरे साथ लिंक थे जब मैंने उनको पेपर की तैयारी करवाई तो अभी तक थर्टी लोगों ने मुझे बताया कि मैम वी हैव क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू लेक्चर एजुकेशन और जब आपके अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएँ तो यकीन करें एक टीचर को इतनी खुशी होती है जिस तरह से एक माँ को खुशी होती है मतलब मेरी अपनी बेटी अगर क्वालिफ़ाई कर जाती है तब मुझे इतनी ही खुशी होती जितनी मेरे ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स के क्वालिफ़ाई करने पर मुझे वो तो तमाम क्वालिफायर्स जिन्होंने क्वालिफाई किया मेरे ग्रुप से भी और मेरे ग्रुप के अलावा भी एट थर्टी वन फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू लेक्चर एजुकेशन के लिए क्वालीफाई किया है तो उन सबको मेरी तरफ से दिली 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 मुबार uh, मुबारकबाद और हाइटियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू और जो लोग क्वालीफाई नहीं कर सके नो uh, डाउट no मेरे अपने सेशन के इतने सारे कॉम्पिटेंट uh, मतलब पार्टिसिपेंट्स थे जिनका मुझे हंड्रेड परसेंट श्योर था कि दे विल बी सेलेक्टेड एज लेक्चर एजुकेशन मतलब मेरे ऐसे स्टूडेंट एक नहीं दो नहीं तकरीबन ट्वेंटी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका मुझे यकीन था कि दे विल बी क्वालिफाइड एज लेक्चर एजुकेशन बट दे हैव हाँ नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले हमें कुछ नहीं मिलता उन लोगों के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि मतलब आप लोगों ने दिल नहीं छुट्टा करना नेक्स्ट टाइम यू विल बी द टॉपर्स ऑफ पी इन शह मेरी ये दुआएं हैं आप लोगों के साथ कि अब तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वर्क करना बहुत इजी है क्यों इजी है वो इसलिए इजी है क्योंकि आपके सारे कंसेप्टस क्लियर हैं आपने बहुत हार्ड वर्क किया आपने अपनी लाइफ का पूरा एक साल दे दिया है इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए इन कन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और अब इस स्टेज पे आके आप लोगों ने बिल्कुल लेफ़्ट नहीं करना आप लोगों ने अपनी जो प्रपरेशन है उसको कंटिन्यू रखना है ठीक हो गया बिल्कुल आप लोगों ने जो है ना दुखी नहीं होना इस चीज़ को पॉजिटिव लेना है हो सकता है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आए हो सकता है मेरा रब आपसे सेवनटीन स्केल लेके और आपको एटीनथ या नाइनटीन स्केल देना चाह रहा हो हो सकता है कि आप इस स्केल को डिज़र्व ना करते हो बल्कि आप इससे हायर स्केल डिज़र्व करते हो तो शायद इसलिए आपने क्वालिफ़ाई ना किया हो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है फिर मिलेंगे नेक्स्ट खुशखबरी के साथ इन श्ला टिल दन अल्लाह हाफिज़